फूलमाली समाज के इस हॉल के शिलान्यास समारोह में कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, लाडपुरा की विधायिका युवरानी श्रीमती कल्पना देवी जी, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक लंबे समय कोटा में सेवा की, पूर्व प्राचार्य श्री जेल वर्मा जी, इस समाज के अध्यक्ष श्री प्रदीप सुमन जी, गजानन जी, नाथूलाल जी, जगदीश जी और सभी पदाधिकारीगण, पुंज बिहारी जी, जगन्नाथ जी, बालकृष्ण जी, समाज के सभी विशिष्ट अतिथिगण, मातृशक्ति नौजवान साथियों, मैं फूलमाली समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिनके द्वारा आपसी सहयोग से सब सामूहिकता से मिलकर इस छात्रावास का निर्माण कराया। क्योंकि माली समाज महात्मा ज्योतिमा फूले, सावित्री फूले की प्रेरणा से, उन्होंने उस समय जब बालिकाएं शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी, बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते थे, एक सामाजिक परिवर्तन का बीड़ा उठाया और समाज के अंदर व्यापक विरोध के बाद भी उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण योगदान दिया और पहला बालिका छात्रावास और पहली बालिका विद्यालय खोलने का काम शुरू किया। आज केवल माली समाज नहीं, संपूर्ण समाज महात्मा ज्योतिमय फूले और सावित्री फूले जी के प्रति नमन करता है। अगर उनके उस समय प्रयास नहीं होते, समाज की उस धाराओं के विपरीत उनके विचार नहीं होते, तो आज हमारी कई माता और बहनाएं अशिक्षित रह जाती। उनका दृढ़ संकल्प, उनका दृढ़ विश्वास, सामाजिक परिवर्तन के लिए उनकी मन में ज्योति आज संपूर्ण समाज को नई दिशा दे रही। दुनिया के अंदर अगर भारत सबसे बराबर का देश आया है तो इसलिए आया है कि हमने महिला शिक्षा को महात्मा ज्योतिमय फूले की प्रेरणा से यहां पर शिक्षा देने का काम, और आज इसी प्रेरणा से इस समाज में जिनके पास धन का अभाव है, पैसों का अभाव है, भूमि पुत्र है, मेहनत के आधार पर लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, लेकिन जीवन में शिक्षा को सबसे प्राथमिकता रखें। और आज यहां पर लगातार कुछ न कुछ निर्माण कार्य चल रहा है और आज सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। इनका बार बार आग्रह रहता है कि अगर सरकार जमीन दी तो हम महात्मा ज्योतिमय फूले के नाम से एक बालिका छात्रावास और बनाएंगे।
और जब भी सरकार इनको जमीन देगी, निश्चित मानिए सबसे पहला योगदान मैं दूंगा ताकि बालिका छात्रावास का निर्माण हो। समाज में अगर व्यापक परिवर्तन लाना है, समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना है, तो शिक्षा सबसे आवश्यकता है। शिक्षा से संस्कार मिलते हैं, विचार मिलते हैं, और उस विचार और शिक्षा के माध्यम से समाज नौजवान आगे बढ़ता है। आज भारत दुनिया के अंदर अगर नेतृत्व करने की क्षमता रख रहा है तो हमारे नौजवानों के कारण रख रहा है। आज भारत का नौजवान दुनिया के हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आईटी टेक्नोलॉजी का अंदर, भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। भारत की महिलाएं वहां पर नेतृत्व करेंगी। ये सब सामर्थ्य पैदा हुआ तो उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा समाज और शिक्षित हो। हम समाज में संकल्प लें कि जो उस समय अलग जगाई थी, उस अलग को जगाना है और हर बालिका को उच्च से उच्च शिक्षा दिलाना है। ये समाज को संकल्प लेने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि ये समाज एक ऐसा मेहनत का समाज है जो अपनी मेहनत के आधार पर, कड़ी परिश्रम के आधार पर, कम जमीन होने के बाद भी ज्यादा आमदनी करने के लिए सक्षम भी है और समाज को प्रेरणा भी देता है। माली समाज ने ही किसानों को एक नई प्रेरणा दी, नई दिशा दी कि किस तरीके से कम जमीन के अंदर ज्यादा उत्पादन और ज्यादा धन कैसे कमाया जा सकता है। ये अगर किसी ने सीखा है तो माली समाज से सीखा है। और इसीलिए किसी गांव के अंदर माली समाज का कोई व्यक्ति रहता है तो वो उन्नत कृषक होता है, विकासशील कृषक होता है, जो कृषि के नए आयामों को देने का काम करता है। यहां पर नहीं, भारत के जितने भी राज्यों में चले जाओ, हर राज्य के अंदर कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में माली समाज आज सबसे आगे है। क्योंकि माली समाज के संस्कार ही आध्यात्मिक और समाज सेवा के संस्कार रहे हैं। इसलिए मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं कि चाहे संख्या में कम होंगे लेकिन उस समाज के अंदर, उस प्रदेश के अंदर सामाजिक सेवा और समर्पण के लिए सबसे अगर अग्रणी योगदान है तो माली समाज का योगदान है। और यही मैं बरसों से आपके बीच में आ रहा हूं। मैं जनप्रतिनिधि था तब भी और जनप्रतिनिधि के पहले भी, आपका हमेशा प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। हम जो कुछ भी यहां पर हैं आपके प्यार स्नेह आशीर्वाद के कारण यहां पर है। आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। हम सब जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, इस भवन निर्माण के अंदर भी सहयोग करेंगे और आगे बालिका शिक्षा के अंदर भी जब जब भी आवश्यकता होगी हम सहयोग करेंगे। आप सभी को इस नवनिर्मित भवन के शिलान्यास समारोह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।